गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर लिंग जो है लिंग पढ़ेंगे, और हमारे रीडर के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए हम ग्रामर जो है के चैप्टर करेंगे। संसार के सभी प्राणियों वस्तुओं की पहचान स्त्री और पुरुष जाति के रूप में होती है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, वाक्यों को पढ़िए और समझिए। लिंग बेटा, लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर, इंग्लिश में इसको जेंडर बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, घोड़ा घोड़ी, लड़का लड़की आदि। तो बेटा देखो, लड़की स्कूल जा रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, तितली उड़ रही है, दादाजी चाय पी रहे हैं, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, माँ खाना बना रही है। आपने देखा कि इन वाक्यों में लड़की, तितली और माँ सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, तथा घोड़ा दादी जी और लड़का शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं। सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराते हैं। परिभाषा, संज्ञा शब्द यानी शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्द के जिस रूप से या जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग, चूहा चूहिया, मोर मोरनी, घोड़ा घोड़ी, बालक बालिका, शेर शेरनी, बैल गाय। तो बेटा ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग जिसे पुरुष जाति का बोध, और स्त्रीलिंग जिसे स्त्री जाति का बोध। तो ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हम करेंगे। आइए कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, भाई बहन, पिता माता, पति पत्नी, नर नारी, पुत्र पुत्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बंदर बंदरिया, धोबी धोबिन, माली मालिन, सेठ सेठानी, बूढ़ा बुढ़िया, राजा रानी, बिलाव बिल्ली, नाग नागिन। तो बेटा जो हमने चैप्टर के अंदर रीड किया है यह भी जाने, तो ये जो यह भी जाने क्या होता है, जो भी चीज़ हमने चैप्टर के अंदर रीड की है उसके बारे में होता है बेटा। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही होता है, जैसे पशु पक्षी मच्छर। नहीं बेटा ये अलग से होता है, हमने जाना मतलब इसमें होता है चैप्टर से, जो हमने चैप्टर में रीड किया है ये अलग से कुछ पॉइंट हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। जैसे सदैव पुल्लिंग, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही होता है, जैसे पशु पक्षी मच्छर खरगोश कछुआ आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है, जैसे मकड़ी मक्खी तितली कोयल मछली आदि। तो बेटा हमने क्या सीखा यह भी जाने, तो इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं इसके अंदर, जो सदैव पुल्लिंग रूप में अभी बताया आपको, और जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, और ये हमने भी जाना का मतलब
इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने वो सारी चीज़ें हैं। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, तो बेटा ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, तो इसके एक्सरसाइज हम स्वयं करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।